नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। 21 साहित्यकारों को व 51 पत्रकारों को विशिष्ट सम्मान मिला। श्री देवराहा बाबा सेवा श्रम शिविर अन्नपूर्णा मार्ग माघ मेला प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की 20वीं राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए समारोह के अति विशिष्ट अतिथि स्वामी डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य शास्त्री ने कहा कि पत्रकार सरस्वती के प्रथम पुत्र हैं। पत्रकारों को राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। समाज को एक नई चेतना देने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका पत्रकारों की है। पत्रकारों की लेखनी भले ही काले रंग की हो, लेकिन हृदय स्वच्छ व निर्मल होना चाहिए। युवा पीढ़ी के पत्रकार एक नया आदर्श प्रस्तुत कर श्री हनुमान जी महाराज जैसी पत्रकारिता करें, न कि मंत्रा जैसी। आज का पत्रकार समाज के आदर्श बने, यही आशीर्वाद है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि आईपीएस वीपी श्रीवास्तव उप महानिरीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस प्रयागराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्मी और सरस्वती का मेल नहीं हो पाता, लेकिन लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास जाती हैं। पत्रकारों की निष्पक्ष लेखनी से समाज सुधार में बड़ा योगदान रहता है। पत्रकार एक नई दशा व दिशा का निर्माण कर विकास को नया आयाम देकर आगे बढ़ाते हैं। पत्रकारों का चिंतन समाज को नई दिशा देता है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आईपीएस मनोज कुमार झा पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज विकास के बढ़ते चरण में मीडिया के प्रमुख प्रकार हो गए हैं, लेकिन वह सभी समाज में एक नई चेतना पैदा करते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष ने किया। अतिथियों का माल्यार्पण एक बैज लगाकर पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। राष्ट्र संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों को विशिष्ट पत्रकारिता सम्मान देकर संपादकों साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि व उत्कृष्ट कार्य करने वाले संघ के राष्ट्रीय इकाई से लेकर ब्लॉक तक के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र व अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। सम्मेलन को राष्ट्र अध्यक्ष मुनेश्वर मिश्र सहित नागेंद्र सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष मथुरा प्रसाद धूरिया, कुलदीप कुमार, आजमगढ़ मधुसूदन सिंह, हयारण दर्द बाबा कल्पेश नाथ, डॉक्टर ओम प्रकाश, जयप्रकाश शर्मा, जटाशंकर प्रियदर्शी आदि ने अपने अपने विचार रख पत्रकार महासंघ को गतिशील व सशक्त बनाने की बातें रखी। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लगभग आधा सैकड़ा पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। पत्रकार महासंघ के संरक्षक डॉक्टर बालकृष्ण पांडे ने महासंघ में आजीवन सदस्य बढ़ाने पर जोर दिया। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश इकाई का नेतृत्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की इकाई का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो कभी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में, सूचना विभाग के पंडाल में या प्रशासन पंडाल में, तमाम जगहों पे हम लोग ये कार्यक्रम करते रहे, लेकिन इस बार ये लगा